Hello dear student, welcome. In this lecture we have studied about standard 5 chapter 1 maths magic ka first chapter kya hai our national fruit mango ke bare mein aapko sabko pata hi hai hamara national fruit kya hai mango to chapter ke starting mein hame yahan par kuch poem given hai congratulations a cuckoo मैंगो इन आर्चर्ड गुजराती में क्या होता है उसका कांजी सुने कांजी केरी कुंज केरी बगीचे अब ये जो पोयम हमें गिवन है वो एक पैटर्न में गिवन है जो गुजराती पोयम हमें गिवन है उसमें हम उसके लेटर काउंट करेंगे तो फर्स्ट लाइन है उसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 टोटल कितने लेटर हुए 5 लास्ट लाइन है थर्ड उसमें काउंट करते थे 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी 5 लेटर हुए बीच वाली लाइन है उसमें काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पर 7 लेटर हुए ओके तो अब इन सभी का हम टोटल करते हैं टोटल कितने लेटर हुए वो फाइंड करते हैं तो 5 + 5 कितने होते हैं 10 एंड 10 + 7 इज इक्वल टू 70 तो टोटल कितना लेटर हुए 70 तो ये जो पोयम है वो एक पैटर्न है दिस पोयम ऑफ 3 लाइन इज कॉल्ड हाइकू इसको क्या कहते हैं हाइकू कहते हैं इट इज अ पोएटिक फ्रॉम ऑफ जापान कहाँ से कौन सी कंट्री की पोयम है ये जापान से ली गई उसका नाम क्या है हाइकू ओके उसकी पैटर्न इस तरह से फर्स्ट लाइन में 5 लेटर सेकंड लाइन में 7 एंड लास्ट में 5 ऐसी छोटी सी पोयम उसमें होती है टेक अनदर एग्जांपल इंग्लिश में क्या है आई एम स्वीट एंड फॉरगेट मैंगो फॉर सोरट आई एम केसर गुजराती में हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो मीठी सुगंधी छू सोरठनी केरी हूँ छू केसर तो ये जो पोएटिक है वो कहाँ से है जापान से है और इसके जो पैटर्न और स्ट्रक्चर है इसका वो किस टाइप का है 5 7 5 इस तरह से चल रहा है तो हम इसका काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो फर्स्ट लाइन में 5 लास्ट लाइन में भी 5 1 2 3 4 5 एंड मिडल लाइन में भी 1 2 3 4 5 6 7 ओके 1 2 3 4 5 6 7 तो टोटल लेटर कितने होते हैं इसमें 5 + 5 यानी 10 10 + 7 यानी 70 ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोएट का इस तरह से टाइप है नेक्स्ट इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आम्र संस्कृत में मैंगो को क्या कहते हैं आम्र ओके डिफरेंट शेप ऑफ आम्र आर ऑफ्टन कॉमनली सीन इन एम्ब्रॉयडरी वर्क पेंटिंग और ज्वेलरी डिजाइन आपने अपने आसपास कई सारे ऐसे आम्र की डिजाइन देखी होंगी जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वर्क है पेंटिंग है ज्वेलरी है और हाथों में जो मेहंदी मुक्त है उसमें भी डिजाइन ऐसे होती है अलग अलग टाइप की ओके इस तरह से आपने आपके आप आसपास कई सारे ड्रेसेस है साड़ी है उन सभी में आप देख सकते हो इस तरह से पैटर्न कई सारी आम्र की हो सकती है आपकी बुक में भी अच्छी तरह से गिवन है एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी हमारे पाश्चन कल्चर है उसमें इस टाइप के कई सारे पैटर्न देखने को मिल रहे हैं ओके बीच में इस तरह से अलग अलग टाइप के होते हैं क्लियर नेक्स्ट तलाला तालुका ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स केसर मैंगो वर्ल्ड वाइड यानी जो तलाला तालुका है वो
फेमस है किसके लिए? केसर मैंगो के लिए, जो तलाला तालुका है। वो कहाँ पर है? हमारे जो गुजरात का गिर सोमनाथ है वहाँ पर, वहाँ का जो केसर मैंगो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, लोग वहाँ से मंगवाते हैं घर पे खाने के लिए। तलाला कैन बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर मैंगो। तलाला है वो केसर मैंगो का कैपिटल हाउस है, जहाँ से कई सारे लोग खाने के लिए मैंगो मंगवाते हैं। द प्लांटेशन ऑफ मैंगो आर कॉल्ड अंबावाड़ी, जहाँ पर एक साथ कई सारे मैंगो के प्लांटेशन किए हुए गए उसे क्या कहते हैं हम? अंबावाड़ी। ओके, वहाँ पर कई सारे प्लांट आप देख सकते हो मैंगो के। यू मस्ट हियर आंबो आंबे आविया मोर वार्ता कहीसु पोर, आपने ऐसा कई कई लोगों से सुना होगा, इसी कहावत जैसा है कि आंबे आविया मोर वार्ता कहीसु पोर। इट्स मीन्स अ मैंगो ट्री इनिशियली बियर फ्लावर इन द सीजन ऑफ स्पीरिंग, यानी क्या कहा गया कि मोर मोर यानी यहाँ पर वो पीकॉक वाला मोर नहीं है, कौन सा मोर है? मोर यानी हमें यहाँ पर गिवन है बियर ऑफ फ्लावर, उस टाइप का एक फ्लावर होता है, इसलिए क्या कहा गया कि आंबे आविया मोर यानी जो मैंगो ट्री है उस पर फ्लावर आ गए है। एंड जो वार्ता यानी स्टोरी स्टोरी कहेसे फोर और यानी स्टोरी हम नेक्स्ट ईयर कहेंगे। ओके, इस तरह से कुछ उसमें गिवन है। तो फ्लावर कहाँ पर आते हैं, कौन से सीजन में आते हैं? इन स्पीरिंग, स्पीरिंग यानी वसंत ऋतु होती है, उसमें जो मैंगो है मैंगो ट्री उस पर फ्लावर यानी ये सब उसे गुजराती में मोर कहते हैं, वो आ जाते हैं। ओके, एंड मोर में से वो मैंगो बनता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट सम है कि एक एक्टिविटी टाइप है कि ईच बॉक्स मस्ट कंटेन 80 मैंगो इफ ऑल द स्टूडेंट विल ओपन द बॉक्स, यानी फर्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया कि आपको अपने घर पर जाके सभी को मैंगो लाना है और एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने मैंगो, एक बॉक्स में 80 मैंगो पैक करने हैं, सभी स्टूडेंट को लाना है, जितने भी अपने क्लास में है उन सभी को मैंगो लाना है। स्टूडेंट विल ओपन द बॉक्स एंड पाइल द मैंगोस इन अ सिंगल हेप, यानी सभी स्टूडेंट जो बॉक्स लाते हैं, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 20, हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट है। ओके, एंड वन बॉक्स में कितने मैंगो है? इन वन बॉक्स 80 मैंगोस। ओके, फिर क्या कहा गया है कि सभी स्टूडेंट को मैंगो लाना है, इस तरह से 80 वन बॉक्स में 80 मैंगो हो गए। अब सभी के मैंगो आ जाए उसके बाद अ सिंगल हेप यानी कोई एक जगह इकट्ठा करना है, हम जैसे डक बनाते हैं सभी मैंगो एक जगह इकट्ठा करते हैं, सभी अपनी बॉक्स से वो एम्प्टी कर डालेंगे और एक जगह इकट्ठा कर देंगे। व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ मैंगो इज इन द हेप, यानी वो जो हम डक बना है बड़ा सा, आप बुक में जो उसका पिक्चर गिवन है आपको उसमें आप देख सकते हो अच्छी तरह से, इस तरह से कई सारे मैंगो है। ओके, ग्रीन कलर के है, कच्चे आम कहते हैं ना, वैसे कई सारे मैंगो आपको गिवन है, तो इस तरह से सभी मिक्स कर डालने हैं। बाद में हमें यहाँ पूछा गया कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैंगो इन द हेप, यानी इसमें टोटल कितने मैंगो
इकट्ठा हुए है, हमें वो काउंट करना है तो सभी गिनने बैठेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा, पर हम डायरेक्टली भी इसको फाइंड कर सकते हैं, एक एक करके गिनेंगे तो काफ़ी टाइम आपका इसमें चला जाएगा। पर आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे क्लास में, 20 है, और पर वन स्टूडेंट कितने, एक बॉक्स में कितने हम मैंगो लिए थे, 80 मैंगो, ओके 80 मैंगो लाने थे। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगो हमें फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू, एक स्टूडेंट कितने लाते हैं, 80 मैंगो ला रहा है, तो 20 स्टूडेंट कितने लाएंगे, तो 20 इंटू 80 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने मैंगो हुए। फॉर एग्जांपल के एक स्टूडेंट 5 चॉकलेट ला रहा है तो टू स्टूडेंट कितना हो गया, 10। वैसे ही 3 स्टूडेंट होते तो 15, 5 + 5 + 5 यानी 50 हो जाएगा। अगर 4 स्टूडेंट होते तो 20। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है हमें सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। अगर यहाँ पर 80 स्टूडेंट होते तो 85 करेंगे, ओके तो इस तरह से हो सकता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी, टोटल स्टूडेंट कितने थे 20 एंड वन बॉक्स में कितने थे 18, तो हम इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मैंगो यहाँ पर जो हमने ऐप में इकट्ठे किए हैं वो कितने हैं। तो सिंपली आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको 80 का टेबल आता है तो 81 = 80 एंड 82 = 36, तो इसका 36 यहाँ पर रख देंगे और जो वहाँ यहाँ पर एक जीरो है वो हम एज इट इज रख देंगे, तो कितने महंगे हुए, 360, ओके। अगर आपको डायरेक्टली इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, 80 × 20 = 0, अब 2 8 = 16, 2 2 2 1 = 2 and 3, तो उसका आंसर भी यही आएगा। ट्रेडिशनल मेथड से मैंने नहीं किया है, उस तरह से करेंगे तो 0 0 0 प्लस करेंगे तो आंसर भी 360 आएगा, तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हो, ओके। एंड नेक्स्ट उसमें बी पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी हेप ऑफ 10 मैंगोज ईच कैन बी मेड फ्रॉम द बिग हेप। अब जो बिग हेप है उसमें से हमें वन हेप में 10 मैंगो हो उस तरह से डिवाइड करना हो तो कितने हेप बनेंगे वो हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में समझते हैं तो कि ये इस बड़ा सा ढग है, उसमें से हमें ऐसे कई सारे ढग बनाना है जिसमें 10 मैंगो हो, एक ढग में कितने होने चाहिए, 10, ओके। तो इस तरह से हमें ये फाइंड करना है कि इस तरह से कितने हेप और बनेंगे, ओके। एक हेप में कितने होने चाहिए, 10, टोटल नंबर ऑफ मैंगो हमें पता चल गया 360 है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मैंगो एंड डिवीजन में क्या आएगा, इन वन हैप मैंगो वन हैप
number of mangoes. ये गैप है उसमें कितने मैंगोज है 360। अब हमें फाइंड क्या करना है कि ऐसे कई सारे ढक बनाएंगे उसमें 10-10 के होंगे तो कितने ढक बनेंगे यानी हेप कितने होंगे। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0-0 कैंसिल, इसका आप डिवीजन भी कर सकते हैं 36 टोटल इतने और ढक बनेंगे ओके उतने हेप, एक बिग हेप है उसमें से इतने भी हेप हम बना सकते हैं। और अगर एक अनदर एग्जांपल में ले सकते हैं कि हमें कोई बॉक्स है उसमें पैक करना है तो 10-10 मैंगो हम ईच वन बॉक्स इन 10 मैंगो रखेंगे तो टोटल कितने बॉक्स होंगे 36 ओके। तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। एक बार और समझा देता हूँ, फर्स्ट यहाँ पर क्या किया हमने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 20, वन बॉक्स में 80 मैंगो है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपने समझाया था कि चॉकलेट का एग्जांपल लेके हमने वहाँ पर देखा था, तो एक स्टूडेंट के पास 80 मैंगो है तो 20 स्टूडेंट के पास कितने मैंगो है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 80 यानी यहाँ पर क्या आएगा 360। वैसे ही हमें यहाँ पर उसका रिवर्स फाइंड करना था कि हाउ मेनी हेप ऑफ 10 मैंगोज ईच कैन बी मेड फॉर द बिग हेप। तो बिग हेप है उसमें से हम कितने ऐसे हेप बना सकते हैं जिसमें वन हेप में कितने हो 10 मैंगो हो, तो टोटल मैंगो है उसमें से वन हेप हुआ तो बिग हेप, बिग हेप हमें फाइंड मिला था, बिग हेप में हमने कितना मिला था 360 एंड जो स्मॉल हेप बन रहा है उसमें कितने आते हैं 10। तो सिंपली इसका डिवीजन करेंगे, जो बड़ा नंबर होता है वो न्यूमिनेटर यानी ऊपर आता है एंड जो छोटा नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो 0-0 कैंसिल आउट। तो टोटल नंबर ऑफ हेप हाउ मैनी पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए 36 ओके। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो रहा है।